दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर विपश्यना मेडिटेशन के लिए निकल चुके हैं, जिसके तहत वह एक बार फिर आने वाले 10 दिनों के लिए कामकाज से दूर रहेंगे। इस दौरान उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के सीएम पद का कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली के सीएम केजरीवाल दुनियादारी से दूर एकांतवास में मेडिटेशन के लिए निकले हों। इससे पहले भी केजरीवाल सितंबर 2017 में महाराष्ट्र के इगतपुरी में धामागिरी इंटरनेशनल अकादमी में मेडिटेशन के लिए गए थे। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश के धर्मकोट, साल 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलोर में विपश्यना मेडिटेशन के लिए जा चुके हैं। हालांकि इस बार दिल्ली के सीएम केजरीवाल विपश्यना मेडिटेशन के लिए कहां गए हैं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर विपश्यना मेडिटेशन होता क्या है, जिसके लिए केजरीवाल कामकाज में इतने बिजी होने के बावजूद साल में एक बार 10 दिन के लिए ज़रूर जाते हैं। दरअसल विपश्यना मेडिटेशन बहुत ही प्राचीन ध्यान योग है। यह आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण की एक पद्धति है। इससे मन को शांत करने, तनाव कम करने और नकारात्मकता को दूर करने में मदद मिलती है। शारीरिक और मानसिक थकान से राहत मिलती है। इसको करने वाला व्यक्ति राग, भय, मोह, लालच, द्वेष समेत कई विकारों से मुक्ति पा लेता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने भी विपश्यना मेडिटेशन किया था, जिसको करने के बाद ही उन्हें बुद्धत्व हासिल हुआ था। हालांकि इस मेडिटेशन को करने के जितने फायदे हैं, उससे कहीं ज़्यादा इस मेडिटेशन को करने के लिए इसके नियमों का पालन करना पड़ता है। विपश्यना मेडिटेशन के दौरान करीब 10 दिन तक लगातार बैठकर ध्यान करना होता है, मौन रहना होता है, ज़्यादा बातचीत की इजाज़त नहीं होती, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता, ना टीवी देख सकते हैं, ना अखबार पढ़ सकते हैं, ना ही फ़ोन पर बात कर सकते हैं। यानी 10 दिनों के लिए बाहरी दुनिया से कटकर इंसान को ध्यान लगाना होता है, जिसके तहत केजरीवाल भी 10 दिनों के लिए आत्मध्यान हो जाएंगे। इस दौरान उनका किसी से कोई संपर्क नहीं रहेगा। ऐसे में दिल्ली के डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।